हैं हमारे यान के नए मेहमान शक्ति। शक्ति है पाब्लो, मेरे गुरु और हमारे यान के चालक। यान पे आपका स्वागत है। थैंक यू कैप्टन। यह सूर्या हमारे सबसे छोटे और सबसे बहादुर सिपाही। हैप्पी बर्थडे सूर्या। आपको कैसे पता? कैप्टन व्योम ने मुझे उल्का और उसके इंद्रधनुष के बारे में सब कुछ बताया है। भागो, सारा खेल बिगाड़ दिया, लुका छिपी का खेल स्वाद छीन लिया मुझसे। कैप्टन व्योम, जिसे मैं सभी दिशाओं में ढूंढता रहा, उसे तुम मेरा रास्ता काट के उल्का पर ले आए। ले आए हो तो ठीक है, पर अब मेरा भी काम। मेरी एक जिद है, शक्ति मन मर्जी से आए और मिलन हो जाए, लेकिन जल्दी करना क्योंकि मुझ में एक बीमारी है, मेरा मन नहीं मानता। चाहूं तो अभी स्वाहा कर दूं तुम्हारी उल्का को और उठा ले जाऊं अपनी शक्ति। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। तुम जितनी देर करोगे धरती उतनी ही डूबती जाएगी। आओ मनाओ जल्दी शक्ति को, मिलते मिलाते रहेंगे। मुझे कनेटो के पास भेज दो। शक्ति तुम्हें क्या हो गया? मुझे कनेटो के पास भेज दो, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे नहीं भेजोगे तो पृथ्वी को तबाह कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है। शक्ति तुम पागल हो गई, तुम क्या समझती? अगर तुम कनेटो के पास चली भी गई वो पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। वो एक पागल बीमार जानवर है, क्वार्क की बस एक भूल। हम उसे नष्ट करने का उपाय ढूंढ रहे हैं और पता नहीं तुमसे क्या चाहता है। इन सवालों का जवाब जब तक मुझे नहीं मिलेगा तुम यही रहोगे। वो सब तुम जानो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तबाही का कारण बनकर नहीं जीना चाहती। शक्ति, शक्ति। जब तक मैं उल्का मेरे साथी है, तुम्हें कायनेटो के पास कैसे भेज दें? तुम पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन हर जीवन का एक मतलब होता है। अगर हम कठिनाई से भागेंगे तो लड़ेंगे कैसे? तुम एक साहसी और निडर लड़की हो, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? व्योम, बचपन से यही सीखा है कि आदमी की जिम्मेदारी उसकी आसपास की दुनिया से तय होती है। मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ। यहाँ तो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। शक्ति, ये तुम्हारी भूल है। हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं। तुम क्या समझती हो, अगर तुम कायनेटो के पास जाओगी पृथ्वी बच जाएगी? ये गलत है। इससे समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी। शैतान के सामने घुटने टेकने से उसकी ताकत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हमारा फर्ज है समस्या को समझना और उसका हल ढूंढने का प्रयास करना। प्रयास, यही सच है, यही हमारा फर्ज है और यही धर्म है। जिस दिन हम सच्चे दिल से प्रयास करना छोड़ देंगे उस दिन हमारी हार होगी। क्या हुआ? ठीक ऐसी ही बातें। क्या मतलब? व्योम, जब मैं 8 साल की थी तो मेरी माँ मुझसे दूर चली गई। वो ठीक तुम्हारी तरह ही बात किया करती थी। पापा कहते थे मेरी माँ पागल है। और तुम दूसरी पागल। क्या मतलब? मतलब तुम इतने निडर हो, साहसी हो, फिर भी कायनेटो के सामने घुटने टेकने की बात करती हो। मैं तुम्हें एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मैं भी पागल हूं। साथियों, एक नई जिम्मेदारी। आयो जेल से फरार हुए कैदी नंबर 5 कायनेटो ने धमकी दी कि अगर विष्णु की बेटी शक्ति को उसके पास नहीं भेजा गया तो पृथ्वी को नष्ट कर देगा। हमें न सिर्फ शक्ति को बचाना है बल्कि पृथ्वी की तबाही भी रोकनी है। कैप्टन प्लीज। हमारे पास ऐसा कोई हथियार है जिसे हम कायनेटो की शक्ति का सामना कर सकें? नहीं कैप्टन, मन की शक्ति से लड़ने के लिए अभी तक कोई हथियार नहीं बना। फुलर, कायनेटो को इस तरह से उल्का पर आने से हम रोक सकते हैं? कैप्टन, जो हम देख रहे हैं वो एक छवि है, सिर्फ एक प्रतिबिंब, और उसे अंदर आने से रोकने का मेरे पास कोई यंत्र नहीं। पाब्लो, ओवरड्राइव में जाकर उसे पीछा छुड़ा सकते हैं? मन की तरंगों से तेज कुछ भी नहीं होता कैप्टन व्योम। लेकिन वो शक्ति को इतना चाहता क्यों है? मुझे लगता है कि हमें शक्ति की जांच करनी चाहिए। जांच क्यों? कैप्टन,
शक्ति उनका भी नहीं है क्या? हाँ, सूर्या का भी कहीं पता नहीं चलता, तारीफ का काटा है। उल्का से एक्सप्रेस मोबाइल भी गायब है। जी लेफ्टिनेंट, मैं स्पेस मोबाइल 3 से माया बोल रही हूँ। कैप्टन व्योम का आदेश है कि आप अपना स्पेस मोबाइल घुमाकर उल्का पर लौट आइए, फौरन। ओवर एंड आउट। मर गए। स्पेस मोबाइल उल्का के बाहर कैसे गया सूर्य? मैं शक्ति के साथ सुपरनोवा देखने जा रहा था। शक्ति ने कहा सुपरनोवा दुनिया की सबसे सुंदर चीज होती है, उसको देखने के बाद और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। अगर जाना ही था तो कह के जाते। शक्ति ने कहा बस थोड़ी देर लगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। गलती सब मेरी है माया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? उल्का कोई खेल कूद का मैदान नहीं जहाँ सुपरनोवा का खेल खेला जा सके। हम सब यहाँ तुम्हें काइनेटो से बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मीटिंग हो रही है, और तुम ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती हो? बस सूर्या को लेकर उल्का से बाहर जाती हो बिना किसी को बताए। थोड़ी देर पहले काइनेटो तुम्हारे ही सामने धमकी देकर गया है कि वो कभी भी कहीं भी तुम्हें दबोच सकता है, इस बात को समझती हो तुम? शक्ति, माया ने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। हम सब तुम्हारी जान बचाने की ही कोशिश में हैं, लेकिन उल्का पर सब एक मिशन पर हैं। हम पर पृथ्वी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। जब तक मुझे पता नहीं चलता कि काइनेटो तुमसे क्या चाहता है, तुम उल्का पर ही रहोगी। काइनेटो अगर कुछ भी करेगा तुम्हें उल्का पर छू नहीं सकता, मुझ पर भरोसा रखो। डॉक्टर जैन तुम्हारा इंतजार कर रही है लैब में, हम बाद में मिलेंगे। व्योम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अभी तुम्हारी बदन से कुछ खास करने गुजरेगी शक्ति, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? व्योम से मिलने के बाद मेरे अंदर का डर न जाने कहां गायब हो गया है। जैन, तुम कैप्टन को कब से जानते हो? जब से ये मिशन शुरू हुआ है। मुझे उनसे मिले कुछ ही पल हुए, पर ऐसा लगता है कि मैं उन्हें हमेशा से जानती हूँ। तुम इससे पहले कहाँ थी शक्ति? यात्रा, सारे आकाश गंगा की यात्रा। क्यों? सुपरनोवा देखने की प्यास। सुपरनोवा देखने की ऐसी चाहत का कोई खास कारण है? रंगों की दुनिया में जाकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मानो मैं भर गई हूँ। अनंत ऊर्जा की टकराहट मुझे रोमांच से भर देती है। ऐसा लगता है ये मेरी दुनिया है, रंगों की निराली दुनिया। तुम्हारी उल्का भी एक तरह की सुपरनोवा है, इंद्रधनुषी सुपरनोवा। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ रंग एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर सातों रंग मिलकर इंद्रधनुष बन जाते हैं। तुम लेट जाओ शक्ति। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुम्हारा, सूर्या का, पाब्लो का, ब्लेस का, साइरी का, फुलर का, उल्का का और माया का। शक्ति, शक्ति। कौन है? नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ। पता है हजारों रातें, हजारों दिन तक तुम्हारा इंतजार किया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम तक पहुँचने की सारी कोशिश हर बार नाकाम कर दी जाती। कभी कभी तो मुझे लगता मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन हमें तो मिलना है ना। कहने जा। दर्शन 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 दो शक्ति।
शक्ति, क्यों हमसे दूर भागती हो? अरे तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। हमारी दुनिया एक है, आओ मेरे साथ अपनी दुनिया में लौट चलो। इसका पीछा छोड़ दो कैनेटो। अब आगे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर वो मेरे साथ चलेगी तो पीछा अपने आप छूट जाएगा। अजीब आदमी, कैनेटो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शक्ति, मैं तुम पर पहले ही मर चुका हूँ, ये मरे हुए को क्या मारेंगे? कैनेटो, दो सुंदर चीजें एक जगह बड़ी अजीब लगती है। शक्ति आओ, कब तक छुपोगे इनके बीच? कैनेटो, तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है और तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ। पर क्या करूँ, ये समझती नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। समझाओ, जल्दी मनाओ। कप्तान, संभालो अपना यान, आ रहा है कैनेटो महान। इतना भयानक सपना, क्या कमी रह गई मेरी उल्का में? किस बात की सजा मिल रही है हमें? फुलर, यान को ट्रांसपेरेंसी मोड में ले लो, पारदर्शी बना दो, जिससे मैं कोई भी रडार घूम न सके। पाब्लो, यान को एक जगह स्थिर करो। आखिर कब तक हम छुपते रहेंगे? कैनेटो हमें कभी भी ढूंढ निकालेगा। हम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक छुप सकते हैं इस तरह से। हर ढूंढने के लिए 15 मिनट काफी। ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन। शक्ति, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बात करूंगा। कैनेटो महान, उल्टा हमारी नजरों से ओझल हो रही है। क्या? कुछ गड़बड़ है। कैनेटो के साथ धोखा? गुंडो, उल्का अब अदृश्य है, है? पर दिखाई नहीं देती। बहुत अजीब बात है, जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। अभी अभी हम थे और अभी अभी नहीं है। कब तक हम यूं ही इस शैतान से भागते रहेंगे? एक बार, सिर्फ एक बार ये मेरी गिरफ्त में आ जाए, मैं इसकी सारी बीमारी दूर कर दूंगा। कहाँ गए अब आगे? उल्का कहाँ है? मेरी शक्ति का? कैनेटो महान, हमने सारी आकाशगंगा छान ली, लेकिन उल्का का कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है, कुछ मालूम नहीं हो रहा है तो सैर करो आकाश गंगा के। अब अंतरिक्ष युद्ध होगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, प्रलय लेकर आऊंगा। उल्का अदृश्य तो जरूर है, पर यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। कैप्टन व्योम, कैप्टन कहाँ है? वो शक्ति के साथ है। वक्त कम है और खतरा सामने है। कैप्टन व्योम को हमारे साथ इस वक्त डेक पर होना चाहिए। लगता है जिस उद्देश्य के लिए हम उल्का पर इकट्ठे हुए हैं, कैप्टन व्योम उस उद्देश्य से भटक रहे हैं। नहीं, कैप्टन व्योम नहीं भटक सकता, हमारे पास इस तरह सोचने का कोई कारण नहीं है। कैप्टन पाब्लो, कभी कभी छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती हैं। अब जबकि उल्का ट्रांसपेरेंसी मोड पर है और हम सबको मिलकर कैनेटो के खिलाफ काम करना चाहिए, कैप्टन व्योम शक्ति के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। लगता है कैप्टन व्योम को यहाँ बुलाना चाहिए। मैं उन्हें बुला के लाती। शक्ति, तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, जो भी तुम्हें याद है। मैं कौन हूँ? अजीब लगता है ये सोचकर कि मैं कौन हूँ। इसका उत्तर तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। शक्ति, विश्व प्रमुख की बेटी, जिसे बचपन से ही अधूरापन मिला, अकेलापन, बेचैनी, अरब, कैनेटो की चाह। तुम ये बात बार बार क्यों दोहराती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, उल्का पर ही रहोगी। तुम चाहते हो ना कि मैं कैनेटो के पास जाने की जिद छोड़ दूं? हाँ। मुझे उल्का में थोड़ी जगह मिलेगी। सच कहती हूँ, मेरे जीवन का कोई बड़ा मकसद नहीं रहा। तुम्हारे साथ रहकर मैं सार्थक महसूस करूंगी। व्योम प्लीज, अब तक अपने अंदर हमेशा एक कमी महसूस करती रही हूँ, एक सूखापन, एक तड़प, एक खाली जगह। लगता है सारे वेग से लहराकर किसी के अंदर समा जाऊं, किसी को भर दूं या कोई मुझे भर दे। इसे शिद्दत से महसूस करती हूँ कि
काश तुम इसे समझ सकते। कैप्टन, डेक पे आपका इंतजार। लेफ्टिनेंट माया, शक्ति उल्का की सदस्य बनना चाहती है। जी, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। तो आप उल्का पे रहना चाहती हैं? जी हाँ। परीक्षा देनी होगी? मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। ठीक है, फिर मेरे साथ आ। ये लो। तलवारबाजी? ये तो कोई बात नहीं, लड़ते लड़ते सीख जाओगे। नियम बस एक ही है, अंतिम सांस तक लड़ो। कैप्टन, ट्रांसपेरेंसी का समय खत्म हो रहा है। उल्का आप कुछ ही देर में पारदर्शक नहीं रहेगी। कोशिश जारी रखो। पैनेटो इस वक्त कहाँ है पता लगाओ। यान इस वक्त गो ग्राउंड के बीच से गुजर रहा है। यहाँ गहरा अंधेरा है, हो सकता है कायनेटो यहाँ तक न पहुंचे। आखिर कब तक हम कायनेटो से छुपते रहेंगे, डर कर भागते रहेंगे? जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि कायनेटो शक्ति से क्या चाहता है, तब तक। मैंने अभी अभी शक्ति से बात की है, वो अपने बारे में कुछ अजीब सी बातें कर रही है। उसके परीक्षण की रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। जी कैप्टन। आया? ये क्या हो रहा है? ये क्या पागलपन है? मैं तो यूं ही देख रही थी कि ये हमारे साथ उल्का पे रहने के लायक है या नहीं। बहुत बहादुर बनती हो, शर्म नहीं आती? चली जाओ यहाँ से। उल्का पर हमारा उद्देश्य क्या है? हम सब यहाँ क्यों हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, और कुछ ही पलों में हम सब कुछ भी कहने और सुनने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उल्का ट्रांसपेरेंसी से निकल जाएगी और काइनेटो हमें अंतरिक्ष में ढूंढ कर पिघला देगा। क्यों? काइनेटो तो तुम्हारी जेल से भागा था ना, पकड़ लिया होता उसे तब। बहुत बहादुर बनती हो, चली जाओ यहाँ से, जाओ। अब मैं उल्का पे नहीं रहूंगी। आखिर बात क्या हुई माया? नहीं कैप्टन ब्लेस, इस मिशन को अब मेरी जरूरत नहीं है। ओहो माया, सेनापति कभी कमजोर हो जाए तो सिपाही अपना मैदान छोड़ के भागा नहीं करते। आखिर हुआ क्या है माया, बताओ तो। ज़हन, हम सब यहाँ क्यों हैं? एक महान उद्देश्य के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए ना, या फिर एक लड़की की वजह से बार बार बेइज्जत होने के लिए? आप सब नहीं जानते कैप्टन, व्योम शक्ति की वजह से उल्का हमें और हमारे मिशन को बेमानी साबित कर रहे हैं। हम सब अपने मकसद से परे हटते जा रहे हैं। आखिर क्यों एक शक्ति के कारण हम सबको मौत के मुंह में धकेला जा रहा है? लगता है कैप्टन व्योम से बात करनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं, मुझे अभी पता चला है हमारी कोई भी कोशिश बेकार है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने इस मिशन के लिए, अपनी उम्र का एक सुंदर हिस्सा इस मिशन को दिया है, हमेशा इस मिशन को अपनी जान से बढ़कर समझा है, इसलिए नहीं कि कोई भी आए और खिलवाड़ कर दे हमारी भावनाओं के साथ। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। माया, तुम हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो? मुझे अभी पापा की मौत का बदला लेना है। हम लोग साथ साथ आए थे, साथ साथ जाएंगे। सूर्या, सूर्या तुम आ गया, क्या हुआ? संबंध क्यों तोड़ दिया? हम इतने बुरे हैं क्या? कहाँ गायब हो गए थे? बहुत वक्त बर्बाद किया तुमने। लगता है मैंने अपना परिचय ठीक से नहीं दिया, वरना मुझे तुम भूलते थे। कहाँ है मेरी शक्ति? शक्ति तुम्हें क्यों चाहिए? अपने दिल से पूछो आकाशवी, प्रेम की भूख आदमी को दीवाना बना देती है।
आप लोग सोचते होंगे कि काइनेटो सिर्फ चीजों को मनोबल से तोड़ फोड़ सकता है, जला सकता है, किसी से प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन मुझ में बहुत प्यार है और खास छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यार है। कहाँ है अपना छोटा नन्ना मुन्ना सिपाही जिसका कुछ दिन पहले जन्मदिन था? सूर्या, ओ सूर्या, काइनेटो सूर्या को कुछ मत करना। बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर, पर इसमें एक कमी है, ये आदमी नहीं है, सोच नहीं पाता क्या अच्छा है और क्या बुरा। सूर्या, ओ सूर्या, हर बच्चा उड़ना चाहता है, मैं तुमको उड़ने की शक्ति देता हूँ, मैं तुमको कीड़ा बना देता हूँ। Oh, no!